धन्यवाद सर। सर मेरा आपसे एक जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के सहयोग से गोवा में देश का पहला मैरीटाइम क्लस्टर स्थापित किया गया, क्योंकि हमारे कई सारे दर्शक हैं जो समुद्री क्षेत्र के अलावा भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसलिए हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये मैरीटाइम क्लस्टर होता क्या है, इसकी क्या भूमिका है और इसके क्या लाभ हैं। जी, आपकी बात सही है। मैरीटाइम क्लस्टर द फर्स्ट अपने देश का मैरीटाइम क्लस्टर गोवा में स्टार्ट कर दिया। गोवा में शिपिंग इंडस्ट्री पहले से एग्जिस्टिंग में है और शिपिंग इंडस्ट्रीज रिलेटेड छोटे मोटे जितने सारे इंडस्ट्रीज लगती हैं उसको जो एंसिलरीज इंडस्ट्रीज हम बोलते हैं, उस सभी ने इकट्ठा आके मैरीटाइम क्लस्टर जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, विच इज एन आई थिंक 80-20 पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मदद करती है, यहाँ के 13 इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठा आ गए और इकट्ठा आके उन्होंने वो मैरीटाइम क्लस्टर की स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले ली और उन्होंने इकट्ठी वो इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्टार्ट कर दी। इसीलिए जो एंसिलरीज इंडस्ट्रीज शिपिंग इंडस्ट्री में लगती थी उनके सभी इंडस्ट्रीज एक ही इंडस्ट्रीज में वो सब कुछ प्रोडक्ट बन सकते हैं, जो कि जिसको जो प्रोडक्ट बनाना है एंसिलरीज में या शिपिंग इंडस्ट्रीज में या बाकी मरीटाइम में भी जो जो प्रोडक्ट बनाना है उसी अंडर द सिंगल रूफ वो इंडस्ट्रीज बनी हुई है और जो अपना खुद का प्रोडक्ट वहां पे बन सकता है, विच इज सब्सिडाइज्ड इंडस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से यानी इकट्ठे सब लोग काम कर सकते हैं एक दूसरे को मदद करके, यानी विच इज एन गुड क्लस्टर फॉर्मेशन। आई थिंक द मैरिटाइम क्लस्टर से यहाँ की शिपिंग इंडस्ट्री और भी ज्यादा तरह से बूस्ट हो गई है।